इंडिया। हरे कृष्णा। तो कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि कैन वी बी स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, कैन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बी लुक्ड एट इन डिफरेंट वे, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो मेरा उत्तर यही रहता है कि देखिए, सबसे पहले समझो कि स्पिरिचुअलिटी मीन स्पिरिट से आरंभ होता है, स्पिरिट अर्थात आत्मा। सो व्हेन द सोल इज ट्राइंग टू कंट्रोल नेचर अंडर टाइम एंड एक्शन, दीज आर द फोर टॉपिक्स ऑफ भगवद गीता, विच इज जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। So when the person is completely focused on controlling this, these are subject to constant change. ये परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के कारण हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। भय का मूल कारण क्या है? परिवर्तन। The root cause of fear is change. And therefore body is changing, husband-wife relation is changing, relation with children is changing, relation with house is changing, relation with money is changing, relation with social acceptance is changing, relation with career is changing. And from morning till night, all these eight are constantly changing. So therefore, a person is in constant anxiety, trying to control this. So what is spirituality? You find a platform which does not change. So therefore, only three things do not change. Atma, the soul. Paramatma, the super soul. And the relation of seva between Atma and Paramatma. Atma, Sanatan Atma or Sanatan Paramatma ke beech seva aur sneh ka sambandh nahi badalta. Yehi teen sthayi baatein hain. Inko chhod ke baaki sab parivartanshil hain. Isiliye hum deh dharm, pati patni dharm, bachchon ka dharm, dhan ka dharm, ghar ka dharm, apne career ka dharm, सामाजिक स्वीकृति का धर्म, ये सब धर्मों में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन ये धर्म निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए चिंता का कारण बनते हैं। मैं कहता हूँ इन सबको कायम रहने दीजिए, लेकिन इसके साथ एक और नवे धर्म को जोड़िए, जिसको कहते हैं आत्मा और परमात्मा के बीच सेवा और स्नेह का धर्म, जिसको कहते हैं सनातन धर्म। क्योंकि जीव भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन है। तो इसलिए हो सकता है क्रिश्चियन रिलीजन में उस परमात्मा का नाम फलाना फलाना हो, मुसलमान धर्म में उसमें कुछ दूसरा नाम हो, ज्यूइश में कुछ नाम हो दूसरा हो, सिख में, बौद्ध में, जैन में, हिंदू में नाम विभिन्न होंगे, लेकिन सभी एक बात को स्वीकार करेंगे कि कोई एक ईश्वर है जो नियंता है। तो इसलिए जीव और ईश्वर के बीच इस सनातन संबंध को ही सनातन धर्म कहते हैं। और आध्यात्म क्या है? वो जो नहीं बदलता, दोनों के बीच जो स्थायी संबंध को ही आध्यात्म कहते हैं। अब आप ईश्वर अर्थात मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई ताकत है, देयर इज अ बिगर कंट्रोलर देन मी, उसको चल के चलोगे, उसको स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। उस बिगर कंट्रोलर का नाम कृष्ण है या अल्लाह है या जीसस है या अलग अलग नाम देने लगे तो फिर उसको रिलीजन कहेंगे। इसलिए अगर आपको केवल स्पिरिचुअलिटी में बने रहना है तो ठीक है, कम से कम यहाँ से आरंभ तो कीजिए, लेकिन पूर्णतः स्पिरिचुअलिटी क्या है इसको भगवद गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति, कालकर्म, ये पाँच तत्वों के अंतर्गत नियमित रूप से वर्णन कर दिया गया है। हरे कृष्ण।